बीस्ट। और अब जो पहला वाला ब्लॉग था जो मैंने वहां पे एंड किया था जब मैं ट्रेन से आया था अनवरगंज स्टेशन, तो फाइनली मैंने एक रूम ले लिया है यहाँ पे और ये रूम मुझे मिला है 500 रुपीस पे। ये टू सीटर है लेकिन यहाँ पे वन सीटर रूम खाली नहीं थे। वन सीटर कहना सही रहेगा, चलो सही है। यहाँ पे सिंगल बेड, हाँ डबल बेड यहाँ पे रूम लिया है। यहाँ पे सिंगल बेड खाली नहीं था, 500 रुपीस का पड़ा है ये। और अभी आपको बाहर दिखाऊंगा, बाहर का सीन इज लिटरली वेरी ऑसम। एंड गर्मी का साथी मेरा पानी, और दिस इज द रिसिप्ट विच दे हैव कट। ये रिसिप्ट है और ये इस होटल का, होटल क्या कहो, हाँ ठीक है। ये अभी आपको दिखा दूंगा आपको मैं, नाम इसका कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, कट गया है नाम थोड़ा। तो गाइस लिटरली बहुत ज्यादा गर्मी थी और ट्रेन का सफर बहुत ही मस्त रहा। रूम देखिए आप, मैं आपको रूम दिखाऊं। ये कुछ रूम है दे प्रोवाइड, सही रूम है, सस्ता रूम है। फॉर वन नाइट दिस रूम इज अफोर्डेबल, या फिर आप घूमने आ रहे हैं, फॉर वन नाइट दिस रूम इज अफोर्डेबल, आप अफोर्ड कर सकते हैं ये रूम। तो अभी हम जा रहे हैं आपको बाहर का सीन दिखाने। ये जब गेट खुलेगा तो इसके बाहर का सीन इज वेरी ऑसम। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ के पास में मॉल है और मॉल का नाम है रेव मोती। वहां पे वी विल डू ब्लॉगिंग, वहां पे मजा करेंगे, एकदम एंजॉय करेंगे, चिल मारेंगे। तो वहीं पे मिलते हैं। ट्रेन वाला वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही अच्छा रहा उसका सफर। एंड अब मैं आया हूँ रेव मोती कानपुर, जो यहाँ पे रावतपुर के पास पड़ता है। बहुत ही अच्छा मॉल है ये, एंड रियली एंजॉयिंग अ लॉट इन दिस। स्टार्ट करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर इट। एंड आई एम अलोन, ये ब्लॉग अलोन ही होगा, गला बैठा हुआ मेरा गला सही नहीं हो पा रहा है, सर्दी लग रही है, तो ये पूरी एसी है काफ़ी। मैं काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या शॉपिंग कर पाते हैं यहाँ पे। देखने में तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा अच्छे अच्छे। ये देखिए, तो एट प्रेजेंट आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे एसी देखिए काफी सुपर सीन है। तो लेट्स मूव इनसाइड। घूमने लायक है नहीं, लेकिन मॉल बस क्या है, बड़ा है, डेकोरेटेड है, अच्छा लगता है देखने में। वरना भैया जेब में पैसा हो, यहाँ पे यू कैन स्पेंड योर होल मनी। तो यहाँ पे सामने मेरे बिग बाजार है, ये देखिए पीछे बिग बाजार का वो दिख रहा होगा, बिग बाजार है। तो बिग बाजार में चलते हैं, देखते हैं कि बिग बाजार कैसा है। ठीक है, खास नहीं है बिग बाजार में, बस वैल्यू फॉर मनी, यू कैन बाय एवरीथिंग हियर एट अप्रोप्रिएट रेट। एंजॉइंग अ लॉट, एंजॉइंग क्या या रुपया खर्च नहीं करते, एंजॉइंग कैसे। सो गोइंग डाउन, अकेले ब्लॉग करना बहुत ही मुश्किल काम है भाई, कुछ समझ नहीं आता है कैसे कहाँ की ब्लॉगिंग करी जाए, इट्स डैम कठिन काम। कुछ ज्यादा खास नहीं था बिग बाजार में, हाँ कपड़े वपड़े अच्छे थे, भूख लग रही है तो चलो ऊपर, सबसे ऊपर इसके फूड कोर्ट है वहाँ पे चलेंगे, विल ट्राई समथिंग, कुछ मिलता है वहाँ पे अच्छा, अगर नहीं मिलता है देन वी विल लीड टू नालंदा। यहाँ पास में नालंदा रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट क्या कहें, होटल है, तो वहाँ पे चलेंगे। वरना पहले तो ऊपर देख के आते हैं कि ऊपर क्या है, मैकडोनल्ड्स वगैरह है कि नहीं है। तो द पाथ इज फ्रॉम देयर ओनली एंड
जब ऐसा होता है यहाँ पे, बस जो लोकल के लोग हैं दे आर ओनली हेयर टू एंजॉय, बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड देन हॉच पॉच रहती है कुछ एसी की हवा, कुछ समझ नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। ये ब्लॉग बहुत मुश्किल में बना पा रहा हूँ मैं। अब मैं सीधे जा रहा हूँ फूड कोर्ट की तरफ, वहाँ पे मैं खाऊंगा कुछ, देखूंगा कि आखिरकार कुछ क्या मिलता है वहाँ पे। देन बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे ब्रांड फैक्ट्री, स्पोर्ट्स यूथ वियर वगैरह वगैरह यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बट लेट्स गो टू फूड कोर्ट। तो बॉस मैं यहाँ पे आया था ये फूड कोर्ट, और वाकई में महंगाई जो है वो अपने चरम पे है यहाँ पे। इतनी इतनी सी फ्रेंच फ्राई आपको 50 रुपए की मिल रही हैं। सो आई हैव ऑर्डर्ड मैगी ऑर्डर करी है, मेरे पीछे यहाँ पे है ये, हाँ ये रहा कानपुर सेंट्रल मील। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, कभी कभी आना जाना होता है। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ, बड़ा अटपटा लग रहा है ब्लॉग बनाते समय, बट आई होप यू विल लाइक इट, क्योंकि ये ब्लॉग मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। और प्लीज़ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वॉइस का मुझे कुछ पता नहीं, आई फॉरगेट माई माइक एंड माई होम। आप जो भी आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, वो आप इस फोन की साउंड सुन रहे हैं। तो आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं अच्छे सिनेमैटिक्स। वैसे आई लिटरली सजेस्ट कि ये चीज़ हमारे फरखाबाद में भी हो, फरखाबाद की भी एकदम शान हो, क्योंकि अभी फरखाबाद में ऐसी कोई बैठने की जगह नहीं बनी है। जस्ट लाइक दिस फूड कोर्ट, काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है ये। डोमिनोज भी है यहाँ पे, बाबा बिरयानी, चाइना एक्सप्रेस, डिफरेंट फूड स्टॉल्स आर अवेलेबल हेयर। लेकिन वॉइस क्वालिटी बहुत गंदी आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, इतना शोर मचता है यहाँ पे। तो चलिए जैसे ही ऑर्डर आता है आपको ऑर्डर दिखाते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा ही टाइम रुकते हैं, फिर सीधे नालंदा की ओर निकलते हैं। वहाँ पे वी विल हैव अ मील, और उस मील को करने के बाद वी विल गो टू अवर होटल। वहाँ पे जाके फिर हम लोग कल हमें जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, बट फॉर टुडे ऑर्डर आने दो बस, फिर देखते हैं क्या होता है। दिस मैगी कॉस्ट ₹50, देखने में अच्छी है, लेट्स ट्राई टेस्ट इट, कैसी लगती है ये। फाइनली डन। सो फाइनली वी आर एट नालंदा रेस्टोरेंट नियर रावतपुर, यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा। काफ़ी चेंज हो गए यहाँ पे, टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगने लगा है, यू कैन सी।
सो गाइस फाइनली अपने रूम में हम आ गए हैं और बहुत थकावट हो गई है। सबसे पहली बात, अगर आपको मॉल का व्लॉग अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वहां पे मेरे पास माइक नहीं था, शोर इतना आ रहा था, इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना शोर हो जाएगा, लेकिन मजा आ गया भाई। आप देख लो वीडियो, अच्छी लगेगी आपको। और जहाँ खाना खाया रात का यम्मी, तो अगर आप कानपुर आ रहे हैं, आपका स्टे का प्रोग्राम है, तो यहीं पे आप रूम ले सकते हैं, यू कैन एंजॉय अ लॉट। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं इस समय। नाउ आई हैव टू स्लीप तो खैर नहीं करूँगा अभी। मैं आपको ये कैंपस नहीं दिखा सकता क्योंकि रात हो गई है, यहाँ पे फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो गाइज, अब कल जो वीडियो आएगी, मतलब इसके बाद जो ब्लॉग आएगा, दैट विल बी अ सुपर ऊपर, वो होगा जेड स्क्वायर का ब्लॉगिंग। वहां पे ब्लॉगिंग सही हो जाएगी, साउंड की अगर प्रॉब्लम ना रहती है तो। और गला भी बैठा हुआ है मेरा, सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट फाइव डेज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मारो, शेयर मारो और मेरी वीडियो के साथ ट्यून रहो, ठीक है। इसके अगले बार वाला ब्लॉग जरूर देखना, वो होगा जेड स्क्वायर का। नेचुरल बीस्ट साइनिंग ऑफ।